माजी नवाज़ साहब की सेहत कैसी है और शुक्र क्या देख रहे हैं? स्टेरॉइड्स और जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल ट्रीटमेंट है, प्लेटलेट्स एनहांसिंग मेडिसिन हैं, ड्रिप्स थी वो लगाई उन्होंने, लेकिन वो काम नहीं कर रहे और उनका रोजाना की बुनियाद पे जो प्लेटलेट काउंट है वो ड्रॉप कर रहे। कल 28 था परसों और कल 22 हो गया, तो वो बहुत, और डॉक्टर्स कहते हैं कि 20,000 पे आ गया जो कि डेंजरस लेवल्स तक अब जा रहा है। तो जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थी वो एग्जॉस्ट कर ली हैं, जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट था पाकिस्तान में वो किया है, लेकिन उनको उसका कॉज अभी तक डायग्नोज हो नहीं सकता, ये बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हुआ है। मुझे धरने के हवाले से कहा जा रहा है कि आप शायद जाएंगे, हकीकत क्या है, क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे? मियां साहब की सेहत की वजह से आप नहीं जाएंगे? देखिए सियासत पूरी जिंदगी चलती रहेगी, वालिदैन दोबारा नहीं मिलती, और मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ 1 साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है और मैं उनको मुलाजमों पे और नर्सेस पे नहीं छोड़ती, मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज अदालत में हाजिरी के लिए भी आई हूँ और उनके मामलात मैं खुद देखती हूँ, तो मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनकी जिंदगी और सेहत की फिक्र, क्योंकि वालदैन दोबारा नहीं मिलते। मैडम उसके साथ साथ ये कहीं नहीं बताइएगा कि जो कहा जा रहा है डील के हवाले से भी लोगों ने एक शुरू किया हुआ है बैरून मुल्क जाने के हवाले से, या उनके मुआवजे से कोई रब्ता हो रहा है? डील की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आप जो फरमा रहे हैं जी बाहर जाने के हवाले से, तो मियां साहब के अपने डॉक्टर्स ने, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी, और मियां साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो हमने अवेल कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज सेंटर में जाना चाहिए जहां उनका डायग्नोसिस हो सके कि अचानक इस तरह से प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब की जिंदगी ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी कौम की अमानत है, और उस जिंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको जरूर जाना चाहिए, उनकी उनकी जिंदगी इस वक्त बहुत जरूरी है। मैडम मौलाना साहब ने ख्वाहिश की है कि अगर आप मार्च में आए, कंटेनर पे आए, तो कोई इन फ्यूचर कोई प्लान है? क्योंकि नहीं, उनका उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियाँ साहब के बारे में, उनकी सेहत पर है, फोकस्ड और उनकी जिंदगी पे है। मुझे सियासत के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं ये वक्त उनके साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी ज़ाहिर है वालदैन हर दफ़ा, वालदैन एक दफ़ा मिलते हैं इंसान को, तो मेरी सिर्फ तवज्जो अभी हुई थी। फाइनली कोई शबाशी साहब की तरफ कौन कौन सा आ जाएगा अगर अगर वो जाते हैं तो, क्या फैमिली के अफराद आ जाएंगे? अपील आप कर रहे हैं, कोई दरख्वास्त दे रही है जो है इस हवाले से ईसीएल से नाम निकालने के लिए? मुझे नहीं पता, मैं घर जाके अभी देखती हूँ शबाशी साहब मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली अभी फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तो पासपोर्ट अदालत के पास है। मेरी ख्वाहिश भी होगी और मेरी बड़ा मुश्किल है कि मियां साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत फिक्र होती है और कंसर्न होता है। लेकिन मियां साहब को अगर बिल्कुल उनकी जिंदगी का मसला है और बहुत क्रिटिकल है, तो उनको जहां दुनिया में उनका इलाज है उनको जाके अवेल करना है। फाइनली आपको जो रिलीफ मिला है आप कितना शुक्रगुजार होंगी और समझती हैं कि अदलिया से मजीद भी आपको रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह ताला सच गालिब आके रहे। थैंक यू सो मच मरियम। चलो जी, चलो जी, चलो जी।